हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो भी लोग 8th या 10th पास हैं उनके लिए कोई भी बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। सिंचाई विभाग में आपके लिए वैकेंसी आ रखी है। क्वालिफिकेशन मात्र 8th और 10th पास है, तो 10th और 8th पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, अप्लाई 101% कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है सन 2021 में आपके लिए जॉब लेने का। चलिए पोस्ट नेम देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट दोस्तों, यहाँ पे साफ लिखा है ग्रेड फोर्थ की पोस्ट है, यानी ग्रुप डी स्टाफ की पोस्ट है। 99 वैकेंसी है और 99 वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है आपका, और सिलेक्शन प्रोसेस फीस कितनी है, एज कितना है, सारा कुछ इसमें डिटेल्स में जानेंगे। देखिएगा, वैकेंसी देख लीजिएगा, वैकेंसी का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों, टोटल 99 पोस्ट को उन्होंने डिस्क्राइब किया गया है। यूआर कैटेगरी में ये पोस्ट हैं और ओबीसी में ये वाली है, एससी में 6 और 2, और एसटी में ये, और एसटी में ये, और ईडब्ल्यूएस में ये वाली पोस्ट हैं। एक और कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी, जो भी डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए। देख लीजिएगा, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से रीड करिएगा। देखिएगा, पे ऑफ स्केल देख लेते हैं, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। दोस्तों, सैलरी 12,000 से लेकर 52,000 तक के बीच में मिलने वाली है। 3900 रुपये का ग्रेड पे होने वाला है आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छी सैलरी है आपके लिए। तो एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा दोस्तों, एलिजिबिलिटी 8 पास होना ही चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे साफ लिख रखा है, यानी कि 8th या 10th आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज लिमिट देख लेते हैं, 18 साल से 40 साल के बीच आपको होनी चाहिए एज आपकी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई ऑनलाइन मोड है दोस्तों, अप्लाई सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन कोई भी नहीं करेगा। और इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं, 8 मार्च 2021 तक इसकी लास्ट डेट है। 22 फरवरी 2021 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म भर सकते हो आप आसानी से, ठीक है। चलिए, लास्ट और क्लोजिंग डेट की बात कर लिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 100 क्वेश्चंस का पेपर, एक ऑब्जेक्टिव पेपर देखने को मिलेगा। देखिएगा, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, उसका 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है। 2.5 घंटे में आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो पेपर। देख लीजिएगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे 40, जनरल इंग्लिश के 20, और जनरल इंग्लिश के 20 मार्क्स, और यहाँ पर देखिएगा लैंग्वेज स्किल टेस्ट के भी 20 मार्क्स रहने वाले हैं, और न्यूमेरिक यानी कि मैथमेटिक्स आपको 20 नंबर की देखने को मिलेगी। चलिएगा, आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म भर दीजिएगा दोस्तों, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। चलिए, मिलते हैं एक और बेहतरीन वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।